रंजिश के चलते कभी इसी के घर का चिराग न बुझा, उसकी कभी कोई ख्वाहिश जिंदगी नहीं पूरी कर सकेगा। तुझे बड़ी खबर, रोबिन नागपाल मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। परिवार के लोग हमसे बातचीत करते हैं। दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा। सर, जो मेरे साथ हुआ है परमात्मा किसी साथ ना करे। आज से 4 साल पहले मेरे बेटे को 3 आदमियों ने कार से कुचल के मार दिया। उसको न्याय दिलाने के लिए मैं कोर्ट की तरफ आया, जहाँ मुझे एडवोकेट विक्रमजीत रावर जी एक इंसान परमात्मा के रूप में मिले। उन्होंने 4 साल से इस केस को संभाल के रखा। कई बार हाई कोर्ट में इनकी जमानत रद्द हुई। हिम्मत बांधिए सर, हिम्मत बांधिए। आज इन्होंने अपनी राजनीतिक अप्रोच लगाते हुए मुझे कई बार धमकाया, बड़ा पैसों का लालच भी दिया, कोठियों का लालच भी दिया, पर नहीं, मैं कभी किसी के कहने में नहीं आया। आज बेटे को न्याय मिला है। आज बेटे को न्याय मिला है। मेरे बेटे की आत्मा को आज शांति मिलेगी। आप देख सकते हैं रोबिन नागपाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, बड़ा फैसला है कोर्ट का। दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना देगी। आप देख सकते हैं पिता की आंखें जो नम है। जो करे ठीक, जो जज सब ने कहते जो ठीक कर। आप देख सकते हैं कि परिवार के, देख सकते हैं तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर हैं और आंखों में इनकी आंसू है। रोबिन नागपाल मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। ये बड़ा फैसला है कोर्ट का, जहाँ पर आपको बता दें कि रोबिन नागपाल मर्डर केस में बड़ा फैसला आया। दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और आप देख सकते हैं जो तमाम परिवार के लोग हैं उनकी आंखों में आंसू है। मैं कहता हूँ मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिली है। राजकुमार बठला को उम्र कैद हुई है, नीरज को उम्र कैद हुई है, गुरु को इन्होंने बरी कर दिया है। जबकि सारी कोर्ट की कार्रवाई मैंने 4 सालों से देखी है। जबकि गौरव के एडवोकेट की डिफरेंट थी, बिल्कुल दवाइयाँ बिल्कुल गलत थी उनकी, लेकिन फिर भी किस वजह से उनको बरी कर दिया गया ये मुझे नहीं मालूम। किसी और कोर्ट में भी जाएंगे आप? जी सर बिल्कुल, वहाँ पे एडवोकेट साहब बहुत अच्छे हैं, श्री विक्रमजीत रावर, मैं इनके साथ ही हाईकोर्ट जाऊंगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। रोबिन नागपाल मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आया। दो आरोपियों को उम्र कैद की यहाँ पर सजा सुना दी गई और एक को बरी जो यहाँ पर कर दिया गया। परिवार के लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी आंखें नम है, आंखों में परिवार के लोगों की आंसू है। और तमाम लोगों को जिन्होंने रोबिन नागपाल की लड़ाई लड़ी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कोर्ट का, जिन्होंने हमें इंसाफ दिलवाया है। हमें 4 साल हो गए हैं कोर्ट में आते आते, इतने परेशान हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो आरोपियों को उम्र कैद? हाँ जी, हाँ जी, दो आरोपियों को उम्र कैद हुई है जी, एक को बरी किया है जी। मानते हैं आज भाई को इंसाफ मिला? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी कोर्ट का, हम इंसाफ में। बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम जो परिवारिक लोग हैं उनकी आंखों में आंसू है। बिल्कुल आप देख सकते हैं रोबिन नागपाल केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। करनाल कोर्ट में हम मौजूद हैं, बातचीत करते हैं वकीलों से। नागपाल मर्डर केस को लेकर क्या मर्डर हुआ था, क्या कुछ बताने का प्रयास करेंगे, पूरा केस था और क्या सजा हुई है, जो ऐलान है? वैसे तो आकर्षण जी, मैं सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा केस था जो सिर्फ मीडिया की वजह से हाईलाइट हुआ और हाईलाइट होने के बाद ही इसमें 302 और 307 सेक्शन लगा, जो कि बहुत जरूरी था। पहले ये क्या हुआ था कि 10/9/2020 को दो आदमी सैर करने के लिए जा रहे हैं, उनको एक इंटेंशनली एक इरादे से उनको कुचला जाता है कार से, और कुचलने के बाद ये एक्सीडेंट का केस बना दिया जाता है 304(1) IPC की धारा के तहत। उसके बाद जब ये 304(1) का केस बना दिया जाता है तो आप जैसे भाइयों को जब ये पता लगता है कि ये 304(1) का केस नहीं था, ये एक इंटेंशनली मर्डर था, तो उसके बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, हाईलाइट होता है केस इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इसमें 3 आरोपियों को पकड़ा जाता है। तो उसमें दिखाया जाता है कि एक दुकान का झगड़ा था, उस दुकान की रंजिश रखते हुए एक व्यक्ति ने इस व्यक्ति को एक व्यक्ति को मारना था, जिसमें जिसको मारना था उसको इंजरी हो गई टांग की, और जिसको जिसके साथ दिवेश नहीं था उसका मर्डर हो गया था। तो वो सारी चीज़ें कैमरे में कैद थी, कैमरे में कैद होने के बाद वो फाइल पे आई, फाइल पे आने के बाद ये प्रोसेस हुआ,
और माननीय कोर्ट का मैं बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हम कोर्ट के निर्णय को शर्माते हुए रखते हैं और माननीय जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, किसको उम्र कैद हुई है सर और कौन बरी है? इसमें राजकुमार जो है वो उम्र कैद हुई है और नीरज नाम का आरोपी था उसको उम्र कैद हुई है और गौरव नाम का आरोपी था उसे बरी कर दिया गया है। 4 साल बाद ये केस चला है सर। ये 2020 से केस चला था, यहाँ से भी बेलें इनकी रद्द हुई थी और माननीय हाई कोर्ट से भी इनकी बेलें रद्द हुई थी और उसके बाद लगभग 4 साल से ये अंदर थे। जो बरी हुआ है उसको लेकर आप किसी और कोर्ट में भी जाएंगे? वो तो जैसे पार्टी की मर्जी होगी उसके अनुसार काम। साइन भी किए सर? हाँ जी सर, इसमें फाइन किया है वो वैसे प्रॉपर तरीके से, वो जजमेंट जब आएगी तब। और मेरा नाम विक्रमजीत एडवोकेट, विक्रमजीत सिंह। आप देख सकते हैं ये वकील है शिवरामपुर का, वो बिल्कुल बच्चे के साथ हर टाइम हम खुद देखते थे, हर टाइम सब हर टाइम उसके साथ रहना, बराबर का दोषी उसका क्यों छोड़ा गया है? मैं मर जाऊंगी पर मैं बेटे को न्याय दिला करूंगी, मैं इसके सिर होकर मर गई मैं छोड़ी। हाई कोर्ट हम पहुंचेंगे, हाई कोर्ट तक जरूर पहुंचेंगे, बाकी ये दोषी जरूर है, पक्का दोषी यही है जो उसको छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया इसको, किस हिसाब से छोड़ा गया है हमको ये पता लगन चाहिए, छोड़ा क्यों है ये? ये बराबर का दोषी है, जितना दूसरा दोषी नहीं था जिसको उम्र कैद करिए। ये राजू पटेल के साथ है बिल्कुल, ये बराबर का हर टाइम हम देखते हैं, शब्द पीने कट्ठे लड़े कट्ठे इनकी हर टाइम बातें होती थी, ये बराबर का दोषी है, इसको छोड़ना बिल्कुल चाहिए। हम जान दे देंगे बाबा की, देखो जी मैं मर जाऊंगी मैं उसकी दादी हूँ बाबा की, इसको न्याय जरूर मिलना चाहिए बेटे को, न्याय नहीं मिला तो देखो ये गौरव पुलानी क्यों छोड़ा गया, इसको इसको क्या दोनी चाहिए। ये कहना चाहेंगे अपनी रंजिश के चलते कभी किसी के घर का चिराग न बुझो, उसकी कभी कोई फारी जिंदगी नहीं पूरी कर सकेगा। हमारे को कुछ देखो हमारे घर का चिराग गया, बेकसूरा आज हमारे कसूर भी नहीं है, बेकसूरा हमारा बच्चा मारा गया, मारने किसी को था मारा वो घर, ये गौरव पुलानी और ये राजू भट्टा, ये दोनों बराबर के दोषी हैं, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। गौरव पुलानी को क्यों छोड़ा गया इस बात के हम देखो जी हाईकोर्ट में जाके करेंगे, क्यों उसको छोड़ा गया?